पाकिस्तानी जासूसों का हब बनता जा रहा है जैसलमेर जिला। पश्चिमी राजस्थान में आईएसआई फैला रही है अपना नेटवर्क। बॉर्डर पर जासूसी करते पकड़े गए 3 आरोपी। पैसों के लालच में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान की 471 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की लगातार गतिविधियां परवान चढ़ी हुई है। कई प्रकार के यहां पे जासूस पकड़े जा रहे हैं, कई स्लीपर सेल मौजूद है जो अभी हाल ही में बहुत एक्टिव हो गए हैं। पिछले 2-3 दिनों में यहां पर ऐसे 3 संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं जिनका सीधा संबंध सीमा पार पाकिस्तान में है। नवाब खान नाम का एक जो व्यक्ति है वो चांदन में डिटेन किया गया था, उसको अभी हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अरेस्ट किया गया है। उसका सीधा संबंध जो है आईएसआई के साथ था। पाकिस्तानी के जो दूतावास है उससे संपर्क बने हुए थे। वो चांदन में ई मित्र का कार्य करता था, उसके जरिए वो कई प्रकार की सामरिक सूचनाएं जो है वो सीमा पार भेजता था। इसके अलावा एक फतन खान और एक पप्पू देवासी जो उसके साथी थे उनको फलसूत से पकड़ा गया है। सीमा पार से मोटी धनराशि उनके खातों में जमा होती थी, चंद रुपयों के लालच में वो देश को बेच रहा था। ऐसे कई जासूसों को यहाँ की खुफिया एजेंसियां बेनकाब करने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में जो है कई प्रकार के बड़े इवेंट होने वाले हैं। हाल ही में एक सेना की दक्षिण शक्ति नामक एक बहुत वृहद वॉर गेम एक्सरसाइज भी संपन्न हुई है और आने वाले दिनों में रेजिंग डे बीएसएफ की परेड होने वाली है 5 दिसंबर को। इसके अलावा 5 दिसंबर को ही लोंगेवाला बैटल के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस दिन भी सेना एक बहुत बड़ा वृहद कार्यक्रम आयोजित कर रही है और आने वाले फरवरी माह में भी भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा एक अब तक का सबसे बड़ा जो है फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन भी आयोजित होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित कई नामी ग्रामिया के यहाँ पे मौजूद रहने की संभावना है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपनी यहाँ पर एक्टिविटियां बहुत बढ़ा दी है, कई स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। तो खुफिया एजेंसियां वो पुलिस आदि इनको बेनकाब करने में जुटी हुई है और उनको अलर्ट रहना होगा ताकि ऐसे पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नेस्ताबूत किया जा सके। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।